मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में पढ़ेंगे साइंस। आप अपनी बुक ओपन कीजिए, बुक निकालिए। हमने चैप्टर 11 स्टार्ट किया था, लाइट साउंड एंड फोर्स। हमने उस दिन ये लेसन शुरू किया था। हमने इसमें लाइट के बारे में पढ़ा था, ये ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे, सन, लैम्प, बल्ब, कैंडल, लैंटर्न, स्टार्स एंड टेबल लैम्प। इन सब में अपनी लाइट होती है, ओके। फिर हमने पढ़ा था विच ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट गिव ऑफ लाइट ऑन देयर ऑन। इसमें कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने आप उसकी लाइट ऑफ हो जाती है, वो है सन एंड स्टार, लेकिन बाकी सब की लाइट हमें ऑफ करनी पड़ती है ना। इस तरह से आपने पढ़ा था डू ऑल द अबव ऑब्जेक्ट गिव ऑफ लाइट, ये जितने भी ऑब्जेक्ट है सबकी लाइट ऑफ होती है, यस yes। उसके बाद हमने आगे नेक्स्ट पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग लाइट, एंड लाइट किस लिए काम आती है, लाइट हेल्प अस टू सी, और द सन, कैंडल, दिया, टॉर्च, ट्यूब लाइट, लैम्प एग्जांपल हैं किसके, एग्जांपल ऑब्जेक्ट दैट गिव ऑफ लाइट्स, फायर फ्लाइज दैट वी सी इन द डार्क नाइट ऑल्सो एमिट लाइट ऑफ देयर ऑन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड लुमिनियस। लुमिनियस कौन से होते हैं, जो रोशनी वाली चीज़ें होती है, और नॉन लुमिनियस बिना रोशनी के। उसके बाद हमने शेडो के बारे में पढ़ा था, शेडो क्या होती है, डार्क पैच होता है शेडो, और इवनिंग की बजाय जब मॉर्निंग में जो है शेडो वो बड़ी दिखती है, और जैसे जैसे शाम होती जाती है, इवनिंग होती जाती है, तो ये देखो शेडो का साइज़ छोटा हो जाता है नून में। लॉन्ग शेडो इन द मॉर्निंग, क्योंकि सूर्य की रोशनी के हिसाब से लॉन्ग दिखती है, शॉर्ट शेडो एट नून, यस। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। फिर हमने ये करा था लेटेस्ट रिमेंबर, ये मैंने आपको समझाया था और आपको होमवर्क दिया था, आप सब ने कर लिया, नहीं किया तो आप कर लीजिए, ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग साउंड। साउंड क्या है, आवाज़ क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना। व्हेन वी टॉक वी आर मेकिंग अ साउंड, जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ बन मतलब निकलती है मुँह से। आवर टंग हेल्प अस टू मेक साउंड, और हमारी टंग जो है हमें बोलने में हेल्प करती है। वी हीयर साउंड्स ऑफ ऑल काइंड्स विद द हेल्प ऑफ ईयर, और लेकिन हम इन साउंड्स को बोलने में तो टंग का यूज़ लेते हैं, लेकिन सुनने में किसका यूज़ आता है, ईयर्स का। इफ़ यू स्ट्राइक अ स्टील टम्बलर विद ए स्पून इट्स मेक अ साउंड, अगर आप एक स्टील के ग्लास में स्पून हिला रहे हैं तो उसकी एक अपनी आवाज़ होगी। वी हीयर वेरियस काइंड ऑफ साउंड सच एज द रिंग ऑफ अ बेल और टेलीफोन, और हमें जो है अलग अलग टाइप की रिंग सुनाई देती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं, किसकी, टेलीफोन की, बेल की रिंग जो होती है वो, द क्राई ऑफ ए बेबी, जो टेलीफोन की बेल रिंग होती है वो अलग बजती है, जो बच्चा रोता है उसकी अलग आवाज़ होती है, एंड द बार्क ऑफ अ डॉग, और जो डॉग जो होता है वो भौंकता है, आवाज़ निकालता है, उसकी अलग आवाज़ होती है। सम साउंड्स आर सॉफ्ट, कुछ आवाज़ तो बहुत साउंड जो होती है ना वो सॉफ्ट होती है, बहुत अच्छी लगती हैं, एग्जाम्पल विस्पर। सम साउंड आर लाउड्स, जो मतलब साउंड बहुत सॉफ्ट होती है ना उसको बोलते हैं विस्पर, और सम साउंड आर लाउड, और सम साउंड जो होती है वो बहुत तमीज़ बहुत तेज़ होती हैं, जैसे कि रिंग ऑफ द स्कूल बेल, स्कूल की बेल बहुत तेज़ बजती है। सम साउंड्स आर प्लेजेंट्स, और कुछ साउंड्स बहुत प्लेजेंट्स होती हैं, मतलब जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मधुर लगती हैं, एग्जाम्पल म्यूज़िक, हम म्यूज़िक सुनते हैं ना बिल्कुल कम साउंड में तो कितना प्लेजेंट लगता है, कितना अच्छा लगता है। सम साउंड आर अनप्लेजेंट्स, और कुछ साउंड क्या होती है, अनप्लेजेंट्स होती है, मतलब मधुर नहीं होती, अच्छी नहीं लगती, एग्जाम्पल द कंटिन्यूस हॉन्किंग ऑफ ए व्हीकल, जैसे कि एग्जाम्पल है अगर किसी व्हीकल का हॉर्न कंटिन्यू हॉक हो रहा है, बज रहा है, तो वो हमें नहीं अच्छा लगता, वो अनप्लेजेंट वॉइस लगती है, ओके। नेक्स्ट पेज पे वी लाइक टू हीयर सॉफ्ट एंड प्लेजेंट साउंड, और हमें कौन सी आवाज़ सुननी पसंद आती है, सॉफ्ट एंड प्लेजेंट, हल्की और मधुर आवाज़। वी डू नॉट लाइक टू हीयर लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती तेज़ आवाज़, लाउड जो मतलब बहुत तेज़ बोली जाए, अनप्लेजेंट जो मधुर आवाज़ नहीं हो। नॉइज, वट हैपन वेन एवरीबॉडी इन योर क्लास स्टार्ट्स टॉकिंग लाउडली एट द सेम टाइम, तब क्या होगा जब आपकी क्लास का हर बच्चा एकदम से
एक ही टाइम में सब इकट्ठी बात करने लग जाएं, व्हाट हैपन व्हेन ऑल द व्हीकल्स ऑन द रोड स्टार्ट हॉकिंग इन द ट्रैफिक जैम। और तब क्या होगा, जब ट्रैफिक जैम होगा सड़क पे और सभी जितने भी व्हीकल्स खड़े हैं सब अपनी हॉर्न से आवाज़ करने लग जाएं, साउंड दैट इज लाउड एंड अनप्लेजेंट इज कॉल्ड नॉइज। जो साउंड तेज़ होती है और अच्छी नहीं होती, अनप्लेजेंट होती है, उसको बोलते हैं नॉइज। टू मच नॉइज डिस्टर्ब अस, और इस तरह की जो नॉइज़ होती है हमें डिस्टर्ब करती है, एंड इट इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ, और ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। दिस इज़ वाई वी शुड लर्न टू स्पीक सॉफ्टली, इसलिए हमें सॉफ्ट बोलना चाहिए। क्यों सॉफ्ट बोलना चाहिए, कि अच्छे से सॉफ्टली हमें सॉफ्ट बोलना सीखना चाहिए, जिससे कि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और हम ज़्यादा तेज़ लाउड नहीं बोलेंगे तो वो आवाज़ जो है सॉफ्ट और प्लेजेंट भी लगेगी सुनने में। वी शुड ऑलवेज प्ले द टेलीविज़न एंड म्यूजिक सिस्टम एज ए लो वॉल्यूम सो दैट वी नॉट डिस्टर्ब अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली और अवर नेबर्स। और हमें क्या करना चाहिए, जब टीवी चलाना चाहिए या कि म्यूज़िक सुनना चाहिए, म्यूज़िक सिस्टम चलाना चाहिए, तो हमें धीरे आवाज़ में सुनना चाहिए ताकि हमारे कारण हमारी फैमिली का कोई भी मेम्बर या हमारे पड़ोसी जो हैं डिस्टर्ब नहीं हो। अंडरस्टैंडिंग फोर्स, फोर्स का मतलब होता है बल, ताकत, उसको अंडरस्टैंड करना है। इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज की लाइफ में वी पुल और पुश, पुश होता है अपनी तरफ, मतलब पुल और पुश को धक्का देना, थिंग्स टू मूव देम, थिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए पुल भी करना पड़ता है और पुश भी करना पड़ता है। अब पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, जो पुश और पुल हम करते हैं उसमें हम अपनी मेहनत लगाते हैं उसको बोलते हैं फोर्स यानी बल। फोर्स हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स, ये फोर्स जो होता है, जो हमारा बल होता है, ये हमें बहुत सारी काम करने में हमारी हेल्प करता है। ये देखिए, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट्स, अब ये फोर्स ही है ना, बल ही है ना, जिससे वो ये ट्रॉला हिला रही है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये फोर्स ही है ना जिससे हमने उसको पुल कर लिया, जिससे कि वो मूव नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फोर्स ही हमारा बल ही है जिससे कि हमने ऑब्जेक्ट की ये कटिंग करके इसकी शेप चेंज कर दी है ना। अब ये नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, फ्रिक्शंस। फ्रिक्शंस क्या है, फ्रिक्शन इज ए स्पेशल फोर्स दैट स्लो डाउन मूवमेंट्स। फ्रिक्शन जो है एक स्पेशल फोर्स है, स्पेशल बल है जो कि स्लो डाउन मूवमेंट्स के लिए। सो व्हेन यू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट, द फोर्स ऑफ द पुश एंड पुल शुड बी greater than the force of frictions, जो मतलब और ज़्यादा great होता है ना आपका pull and push करने का, उसको बोलते हैं friction। When friction is very less, things slide. When it is more, things do not move. If there was no frictions, we would not be able to walk. We would keep sleeping off. फ्रिक्शन जो होता है वो आपके जो है स्लो मूवमेंट, डाउन मूवमेंट है, ये भी आपका एक तरीके का फोर्स का ही पार्ट है, स्पेशल पार्ट है, जो कि आपको पुल एंड पुश में ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा बढ़ करके जो है फोर्स से हेल्प करता है उसको, और ये बहुत कम होता है, वेरी लेस होता है। ओके, अब हम इसका आगे हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। लेट्स अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। द सन इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सन जो है वो नेचुरल सोर्स है, मैन मेड नहीं है, वो अपने ही नेचुरल प्रकृति की बनी हुई चीज़ है। अ शेडो इज डैश एट नून, शेडो लॉन्ग रहती है कि शॉर्ट रहती है, नून में शॉर्ट हो जाती है। ओवर ईयर्स हेल्प अस हियर साउंड, हमारे कान जो है साउंड सुनने में मदद करते हैं हमारी। लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, जो बहुत तेज़ आवाज़ और जो मधुर नहीं होती, अच्छी नहीं लगती सुनने में, उसको बोलते हैं नॉइज। आप पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, पुल और पुश को क्या बोलते हैं, फोर्स। राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ फोर्स, ट्रू। All object give off light, false. All sounds are pleasant, false. क्योंकि सारी sound pleasant नहीं होती है ना। Shadows of different objects are of different color,
फॉल्स, क्योंकि शेडो हमेशा डार्क कलर की होती है. फ्रिक्शन मेक्स थिंग्स गो फास्टर, ट्रू. आया ना, क्योंकि ग्रेटर होता है ना फोर्स के मुकाबले फ्रिक्शन, तो वो काम थिंग्स को, फ्रिक्शन जो होता है वो फास्टर मेक, मतलब घूम करने में फास्ट होता है. अब ये मैंने आपको ये टू क्वेश्चंस कराए हैं, पार्ट ए पार्ट बी, आप ये अपनी नोटबुक में करेंगे. और आज हमने इस लेसन में क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग लाइट, उसके बाद आज हमने पढ़ा अंडरस्टैंडिंग साउंड, कि साउंड क्या होती है, वो उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, हम कैसे सीखते हैं, समझते हैं. नॉइज़ क्या चीज़ होती है, जो अनप्लेजेंट वॉइस होती है, लाउडली बोली जाती है, वो उसको नॉइज़ बोलते हैं. और अंडरस्टैंड फोर्स, फोर्स क्या है, बल क्या है, उसको कैसे अंडरस्टैंड हम सीख समझेंगे, उस बारे में हमने पढ़ा. पुल एंड पुश जो है वो मेन सोर्सेज, उसके पुल और पुश को ही बल बोलते हैं, उसी से हम सारे कार्य कर पाते हैं. फ्रिक्शन जो है वो स्पेशल फोर्स है जो कि स्लो डाउन मूवमेंट्स के लिए होती है. हमने इस लेसन में इस बारे में पढ़ा, आप अच्छे से रीड करना. और ये दोनों क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ये आप अपनी बुक में करोगे. ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स.